औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सेक्टर 1 थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पहले लावारिस मिली बुजुर्ग की लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि परिवार के सदस्य ही बुजुर्ग की मौत होने पर शव सुनसान जगह पर छोड़ आए थे। थाना प्रभारी संतोष कुमार दूधी ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 जनवरी के दिन लोधी मोहल्ला स्थित नानूराम के मकान के पीछे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की, जिसमें पाया कि इमरत गौड़ पास में ही किराए के मकान में रहता था, जिसके साथ ललिता व वृद्ध फूफा मृतक बाबूलाल साथ रहते थे। बाबूलाल की अचानक मृत्यु होने व अंतिम संस्कार के पैसे नहीं होने के चलते इमरत और ललिताबाई मृतक का शव नानूराम के मकान के पीछे फेंक दिए थे। वहीं पोस्टमार्टम में बाबूलाल की मृत्यु सामान्य पाई गई है। अभी करीब एक सप्ताह पहले लोधी मोहल्ले में नानूराम के घर के पीछे एक वीरान खंडर नुमा बाथरूम है, उसमें करीब 65 वर्षीय एक पुरुष की डेड बॉडी मिली थी, जो पहले अज्ञात थी, जिसको हमने तलाश किया। जांच के दौरान तो पाया कि बाबूलाल नाम का कोई व्यक्ति है, जो अपने भतीजी के पास किराए से रहता था। मूल रूप से ये इटारसी के रहने वाले हैं। जब जांच की गई तो पाया कि इसकी भतीजी और इसके जो है भतीजा दामाद, ये इसको रखे हुए थे और अचानक इसकी बीमारी के कारण मृत्यु हुई। तो मृत्यु होने पर इनके द्वारा पुलिस को सूचना नहीं दी गई और डेड बॉडी को वीरान स्थल पर लावारिस बताकर रखकर चले गए। इस संबंध में हमने इनके खिलाफ 176 IPC और मकान मालिक राजेंद्र यादव के खिलाफ 188 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है।